नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के डिस्कशन को आगे बढ़ाएं इससे पहले आई होप कि आपने प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट की कोर्स की बात भी कर रहे थे, तो प्रीमियम टेलीग्राम के पिन मैसेज को आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मार्केट साइंटिस्ट के चैनल को भी विजिट करें। यहाँ 103 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो जो बड़ा न्यूज ट्रेंड होते हुए दिखा था, यहाँ थोड़ा बहुत इस स्टॉक को लेकर के पॉजिटिव बायसनेस आते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील साइन MOU विथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील अंडर द PLI स्कीम। PLI स्कीम को लेकर के हमने पहले भी कहा था, पर अगेन ये न्यूज ट्रेंड होते हुए दिखा है। और ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी पुराना ही न्यूज़ है, 17 मार्च के। और अगेन अभी भी देखेंगे तो अगेन जो है ये न्यूज़ थोड़ा बहुत ट्रेंड होते हुए दिखा है। इसके अलावा कुछ भी रिसेंट के बड़े न्यूज़ नहीं है। यहाँ देखें तो जो डिलीवरी है वो काफ़ी बेहतर अभी भी दिख रही है, और जो टेक्निकल ट्रेंड है वो अभी भी अंडर परफॉर्म है। इसके चार्ट को देखें तो क्या पाएंगे, ये एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को एक बार इसने ऑलरेडी ब्रेकडाउन करा था। इसके बाद देखेंगे कि 80 से 110 तक के लेवल दिखे थे, अगेन यहाँ ब्रेकडाउन करके सपोर्ट ले रहा है, यानी 106 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से 120 प्लस तक के लेवल दिख सकते हैं, यानी 20 रुपीज़ पर शेयर तक का गेन एज पर हिस्टोरिकल चार्ट इस स्टॉक में मिल सकता है।